देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कोवेट बुलेटिन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 दिसंबर आगमन से पूर्व भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जोरों पर शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कार्यक्रम स्थल एमबी इंटर कॉलेज मैदान का जनपद प्रभारी मंत्री यतीश्वर आनंद, केंद्रीय पर्यटन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, शहरी विकास एवं संस्कृति कार्य मंत्री बंशीधर भगत व अधिकारियों के साथ जायजा लिया। निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं पर नजर डाली। बैठक दौरान मुख्य विकास अधिकारी एवं लोनिवी के अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल में मंच, बैठने की व्यवस्था का लेआउट प्लान के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। साथ ही पार्किंग स्थल के बारे में भी बताया गया। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि कार्यक्रम स्थल से जितना संभव हो सके उतने नजदीक पार्किंग स्थल चयनित किए जाएं, ताकि कार्यकर्ताओं व जनता को कार्यक्रम स्थल तक आने जाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पार्किंग स्थल व पार्किंग स्थल रूट पर वॉलंटियर लगाए जाएंगे, ताकि बाहर से आने वाले कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल तक आने में परेशानी ना हो। साथ ही धामी ने कहा, प्रधानमंत्री हल्द्वानी में कुमाऊं की करोड़ों रुपए की लागत की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। श्री धामी ने कहा, टनकपुर बागेश्वर ब्रॉडगेज रेल लाइन सवे हेतु 29 करोड़ की धनराशि भारत सरकार से जारी हो चुकी है। जमरानी बांध की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से ब्यूरो जाकिर अंसारी की विशेष रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। एक मिनट कार्यक्रम में आए और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और हजारों करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास भी हो हमारे राज्य के लिए बहुत सारी योजनाएं पहले भी थी और देने वाले कुल मिलाकर अभी तक 1,00,000 करोड़ की योजनाओं की यहाँ पर स्वीकृति हो गई है। उस दिन भी हमारे यहाँ पर हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ जिस प्रकार का लगाव है वो सभी लोग जानते हैं और प्रधानमंत्री जी आएंगे एक नई ऊर्जा, नया उत्साह जो हमेशा से सभी में आता है और तेज बढ़ेगा हमारे कार्यकर्ता सभी में खुशी का माहौल। आईएसबीटी की बात करती रह गई, 5 साल गुजर गए, आईएसबीटी देखने में नहीं आया, रिंग रोड देखने में नहीं आया, कहाँ? अभी बहुत सारी हजारों करोड़ की योजनाएं आपको देखने में मिलेंगी जी। आप नजर अपने नहीं, आईएसबीटी पर खासकर आपके मैनिफेस्टो में आईएसबीटी रखा था। सर बात करें चुनाव नजदीक, बाबा हो गया, चलो। भारी उत्साह यहाँ की जनता में है, उनका नाम सुनते ही लोग आ जाते हैं, इसलिए पूरी तैयारी हो रही है। स्थान देख रहे हैं कितना स्थान है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, और लोगों में इतना जोश है कि लोग अभी से जगह जगह स्वयं ही इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। सर, अरविंद पांडे जी ने